सिनेमा जगत के एक ऐसे मशहूर एक्टर जिनके पिता की आतंकी हमले ने ले ली जान। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्टर संजय सूरी की। संजय सूरी सिनेमा जगत के वो एक्टर हैं, वो टैलेंटेड एक्टर जिन्होंने 25 साल के करियर में ना सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग की बल्कि शानदार फिल्में भी बनाई। साल 2011 में संजय को फिल्म आईएम के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। संजय सूरी ने प्रोफेशनल लाइफ में तो खूब नाम कमाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ कभी दर्द से भरी रही तो कभी खुशियों से। उन पर एक ऐसा वक्त था जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, जब उन्होंने अपने पिता को आतंकी हमले में खो दिया, मजबूरन घर छोड़ना पड़ा, रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा और कैसे फिल्मों में आ गए ये जानते हैं। 6 अप्रैल 1971 को श्रीनगर में जन्मे संजय सूरी एक कश्मीरी पंडित हैं। उनका 19 साल श्रीनगर में बीता, मगर एक दिन उनकी जिंदगी के लिए हमेशा के लिए एक बड़ी तबाही लेकर के आया। 1 अगस्त 1990 को वो काला दिन जब एक आतंकी हमले हो में उनके पिता की जान चली गई। एक आतंकी हमले में संजय सूरी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गई। आतंकियों ने घर में घुसकर उनके पिता को गोलियों से भून दिया। ये वही साल था जब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया जा रहा था। पिता को खोने का दर्द आज भी उनमें बसा हुआ है। संजय सूरी ने हालिया दिए गए एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था कि इस समय वो उस दर्द से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दर्दनाक वक्त था, मैं उस वक्त महज 19 साल का था। हम श्रीनगर में अपने पिता का अंतिम संस्कार भी न कर सके। पिता के निधन के तुरंत बाद संजय सूरी ने अपने परिवार के साथ श्रीनगर छोड़ने का फैसला बनाया, भागकर जम्मू आ गए। संजय और उनका परिवार कुछ समय के लिए रिफ्यूजी कैंप में रहा और उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हो गया। फिल्मों में कदम रखने से पहले संजय सूरी ने मॉडलिंग की थी। 1999 में फिल्म प्यार में कभी कभी से सपोर्टिंग एक्टर का काम शुरू किया। इस फिल्म में रिंकी खन्ना और डीनो मोरिया मुख्य भूमिका में थे। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, लेकिन संजय सूरी की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया। संजय सूरी को पहचान फिल्म झनकार बीट से मिली, जिसमें जूही चावला के साथ वो नजर आए थे। फिर उन्होंने उर्मिला मांडोदकर के साथ काम किया। साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म माय ब्रदर्स निखिल भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में नाकामयाब साबित हुई, लेकिन एक्टर और जूही चावला की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफें हुई। बतौर एक्टर भले ही संजय सूरी का करियर सुपरहिट ना रहा हो, लेकिन प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने खूब नाम कमाया। साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म आईएम के निर्माण के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। ये बेस्ट प्रोड्यूसर का नेशनल अवार्ड था।